सुप्रभात भाई बहनों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये तीन कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। ठीक है, चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सारे अपडेट्स आप सभी लोगों को प्रदान किए जाएंगे। एलटी ग्रेड वेटिंग लिस्ट को लेकर के अब थोड़ा सा समाचार पत्रों में भी उठापटक देखने के लिए मिल रही है। क्यों? क्योंकि उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि आप लोगों की जो अवशेष श्रेष्ठता सूची होती है, नाम भी बढ़िया है, श्रेष्ठता सूची तो वैसे भी किया जाता है, मेधा सूची को श्रेष्ठता सूची ही बोलते हैं मेरिट लिस्ट को, तो जो अवशेष है ना, उन सभी वैकेंसीज़ को क्लियर करना ये UPSC का दायित्व है। और इसके लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो अच्छी बात है कि मीडिया में भी उसका अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, और आप लोगों की जो वेटिंग लिस्ट है उसको जारी कराने के संबंध में बहुत जल्दी हम लोग एक ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय को। और इतना मैं स्पष्ट कर दूं कि आपकी एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट बहुत जल्दी ही जारी हो जाएगी। विद्यार्थियों की तमाम मांगे हैं कि 8 विषयों की पूरी वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, है ना, तो देखते हैं। लेकिन शासन ने तो 6 बोला है, अब देखते हैं कि 8 की जारी हो पाती है कि नहीं हो पाती है, लेकिन 6 का तो कन्फर्म है ना। तो आप सभी लोगों की वेटिंग लिस्ट 20 तारीख के बाद आएगी और आप लोग इसके बारे में चिंता बिल्कुल भी मत करिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों को सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। रही बात आपके एलटी ग्रेड GIC प्रवक्ता के विज्ञापन की, तो एलटी ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों का बेहतरीन ढंग से नए आयोग के माध्यम से ही जारी होगा। क्यों? क्योंकि लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि एलटी ग्रेड GIC प्रवक्ता के अध्याचन के संबंध में, चूँकि इनसे जो क्लोजर रिपोर्ट मांगी गई थी, आज पूरे फैक्ट आप सभी लोगों को क्लियर कर देते हैं कि लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन क्यों नहीं जारी कर रहा है। इनसे क्लोजर रिपोर्ट मांगी गई थी, ठीक है, वो भी क्लोजर रिपोर्ट इनको देने के लिए कहा गया था 10 मार्च तक ही, लेकिन लोक सेवा आयोग के अधिकारीगण इस क्लोजर रिपोर्ट को दाखिल कर पाने, मतलब शासन के समक्ष प्रस्तुत कर पाने में असफल रहे। फिर ये तिथियां बढ़ा करके उनको जो है 12 अप्रैल तक की गई, 1 महीने का पूरा पूरा वक्त दिया गया, लेकिन फिर भी अधिकारियों की चींटी की चाल वो जो है कहीं भी रास नहीं आई। थक हार करके शासन ने आपके नए आयोग के गठन को लेकर के मंजूरी दे दी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि नया आयोग आखिर आएगा कब तक, इस मुद्दे पर थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, लेकिन आप सभी लोगों को पहले एलटी ग्रेड की पूरी जानकारी दे दें। नियमावली जो राजकीय नियमावली है उसमें संशोधन, क्योंकि हाईकोर्ट का जो आदेश था कि TGT की नियमावली को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है, एक समान नियमावली ही लागू किया जा सकता है राजकीय के लिए या अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए, अलग अलग नियमावली रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इन तथ्यों को लेकर के संशोधन आदि की प्रक्रिया को, चूँकि अगर संशोधन नहीं करना होता तो गवर्नमेंट या UPSC डिवीजन बेंच में जाती, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, डिवीजन बेंच में कोई गया ही नहीं, है ना, तो वो आदेश अक्षरशः अब लागू होगा। अक्षरशः लागू होने का तात्पर्य यही है कि आप लोगों की ये शिक्षक सेवा नियमावली अब राजकीय विद्यालयों में भी लागू होगी। ठीक है, और राजकीय विद्यालयों में लागू होने का तात्पर्य आप समझ रहे हैं, आप सभी लोगों को जो कला के हमारे भाई बहन हैं, जो नॉन BEd हैं, उन विद्यार्थियों को बहुत रिलैक्स मिलेगा इससे। ठीक है, तो आप लोग चिंता मुक्त हो जाइए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और रही बात एलटी ग्रेड GIC प्रवक्ता के विज्ञापन को जारी करने के संबंध में, तो इन्होंने जो संशोधित नियमावली का प्रस्ताव शासन को भेजा था उसको तो मंजूरी मिल चुकी थी, हालांकि मतलब नियमावली को संशोधित करना है, और लेकिन फिर भी एक क्लोजर रिपोर्ट नहीं दाखिल कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि कुछ विज्ञापन में कुछ टेक्निकल चीज़ें थी जिसकी वजह से लोक सेवा आयोग अपने कदम पीछे हटा ले रहा था, है ना। तो डेट रिजर्व करने के बाद भी क्लियर मैटर नहीं हो पाया। वैकेंसी के अध्याचन लगभग 1 साल से पड़े हुए हैं लोक सेवा आयोग, फिर भी मैटर क्लियर नहीं हो पाया। अब तो नया आयोग बन ही रहा है और समस्त आयोगों की नियमावलियाँ जो है वो शासन ने तलब कर ली हैं कि भैया
जो जो चीज़ें हैं सबको संशोधित करके एक कॉमन नियमावली बनाई है। इसमें न्याय विभाग के अधिकारियों को भी सम्मिलित किया गया है और साथ ही साथ कई गणमान्य ऐसे सदस्यों को सम्मिलित किया गया है जो कि किसी प्रकार के टेक्निकल खामियों को दूर करेंगे और इस आयोग की जो शक्तियाँ हैं वो जाहिर सी बात है एक संपूर्ण आयोग की तरह होंगी, ताकि वो बार बार जो मुख्यमंत्री महोदय से, चूँकि नियुक्ति और कार्मिक विभाग उन्हीं के पास है, इसलिए बार बार शासन से शासनादेश जारी करवाने अथवा सहमति लेने की आयोग को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो उसको इतना अधिकार दिया जाएगा, ठीक है, कि बार बार आपको शासन से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, आप विज्ञापन आदि को जारी कर सकते हैं, परीक्षाएं करा सकते हैं, अंतिम परिणाम जारी कर सकते हैं, लेकिन नियुक्ति देने का जो कार्य है वो शासन करेगा, ठीक है। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। आप सभी लोगों को 15 तारीख के बाद इसका विस्तृत जो है शासनादेश भी देखने के लिए मिल जाएगा और निमालिया बनाने का कार्य आरंभ हो चुका है। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जिस तरीके से इस आयोग की रूपरेखा तैयार की जा रही है, आप सभी लोगों को किसी भी वैकेंसी के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत से लोग कह रहे होंगे कि अभी एक महीना समझने में ही लग जाएगा, ऐसी चीज़ें नहीं है, क्योंकि वो अधिकारी हैं, कक्षा एक या LKG UKG के विद्यार्थी नहीं कि उनको ABCD सिखाया जाएगा या कखा गगा सिखाया जाएगा, क्योंकि वो प्रशासनिक विभाग के अधिकारी हैं, प्रशासन को कैसे डील करना है, कैसे चलाना है, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। IAS रैंक के अधिकारी होंगे तो उनको सिखाने की आवश्यकता नहीं कि आप किस तरीके से एग्ज़ाम कराएंगे, किस तरीके से परिणाम जारी करेंगे, किस तरीके से विद्यार्थियों के साथ डील करेंगे, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस आयोग में आप लोगों को एक फैक्ट देखने के लिए ये मिलेगा कि विद्यार्थियों के लिए शिकायत केंद्र भी होगा, ठीक है। वहाँ पे विद्यार्थी यदि आंसर की वगैरह से असंतुष्ट होते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पर अपनी शिकायतें वो कर सकते हैं, मतलब आपत्तियाँ दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। अगर भर्ती में किसी प्रकार की पारदर्शिता में कमी रही है, विद्यार्थियों को कोई आशंका है, तो भी वो साक्ष्य के साथ वहाँ पर उसको कर सकेंगे। इसलिए आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत तगड़ा आयोग बन रहा है, ठीक है। तो ये आयोग आप सभी लोगों की भर्तियों की जो विज्ञापन है उसको बहुत तीव्र गति से जारी करेगा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के लिए अलग सदस्य होंगे, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग सी जो है रूपरेखा होगी, ठीक है, और उसको डील एक ही आयोग से किया जाएगा। मुख्यालय आदि को लेकर के विद्यार्थी पता नहीं क्यों परेशान हो जाते हैं। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि माध्यमिक शिक्षा संरचना बोर्ड के कार्यालय में ही आप सभी लोगों का ये मुख्यालय बनाया जाएगा। आप सभी लोगों का मतलब ये है नए शिक्षा संरचना आयोग का। मैं पूर्वत भी बता चुका था कि लखनऊ नहीं जाएगा ये, ठीक है, चिंता मुक्त रहिए इसके लिए। रही बात आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर के, जो विज्ञापन संख्या 51 है उसका एग्ज़ाम कब तक होगा, तो इसका एग्ज़ाम आप सभी लोगों को अगस्त महीने में देखने के लिए मिलेगा। विद्यार्थियों के पास एक पर्याप्त समय है, वो विद्यार्थी चाहें तो बेहतरीन तैयारियां करके अपनी इस मुहिम को आगे ले जा सकते हैं, अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आप सभी लोगों सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है UPTET को लेकर के। TET को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ जो है वो सोशल मीडिया में तैर रही हैं कि जुलाई में विज्ञापन आएगा, सितंबर अक्टूबर तक पेपर होगा, यही सारी चीज़ें आप सभी लोग सुनने के लिए मिल रही होंगी। मैं आप लोगों को गारंटीड इस बात की जानकारी दे रहा हूँ कि अगर BED बनाम BTC केस का फाइनल ऑर्डर आता है, ठीक है ना, जैसा कि वकीलों ने बताया है कि आप लोगों को BED बनाम BTC केस का फाइनल ऑर्डर इसी अप्रैल में जारी कर दिया जाएगा, मतलब 15 से 20 के बीच में, और जैसे ही ऑर्डर जारी होगा तत्काल शासनादेश जारी हो जाएगा आपके UPTET को लेकर के, ठीक है, आवेदन वगैरह होने लगेंगे आप सभी लोगों के। वो गवर्नमेंट है, उसको किसी संस्था की आवश्यकता नहीं, गवर्नमेंट स्वयं में गवर्नमेंट है, ठीक है। तो एक वेबसाइट जारी करके आप सभी लोगों के आवेदन आदि ले लिए जाएंगे और उसकी जिम्मेदारी किसी संस्थान को दे दी जाएगी अगर नया आयोग तब तक नहीं बना रहता है तो। हालांकि आपका नया आयोग बहुत जल्दी ही बन जा रहा है, टेंशन मत लीजिए इसके लिए। रही बात आपके TGT बायोलॉजी 2011 के विद्यार्थियों के साक्षात्कार के लिए, तो इसके लिए भी एक निमाली उपखंड बनाया जा रहा है ताकि इन विद्यार्थियों को किसी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो, है ना, या उनके इस विज्ञापन को चुनौती नहीं दी जा सके हाईकोर्ट वगैरह में। पता लगा संतुष्ट विद्यार्थी कोर्ट पहुंच गया, मामला फंस गया, ऐसी चीज़ें ना हो, ठीक है। इसके लिए प्रावधान किया जा रहा है और नई निमाली के अनुसार आप सभी लोगों के जो इंटरव्यूज़ हैं
वो इंटरव्यू आप लोगों के जून में स्टार्ट होंगे, ठीक है। दो दिन का इंटरव्यू ही है, दो दिन में समाप्त हो जाना है। और रही बात प्रतीक्षा सूची की, तो कंपल्सरी उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी फार्मा अप्लाई करेंगे, उन विद्यार्थियों के लिए आप लोगों को 20% तक पद के सापेक्ष 20% आप लोगों को प्रतीक्षा सूची भी देखने के लिए मिलेगी। नियुक्ति और अध्याचन आदि के सारी जानकारियां आप सभी लोग वेबसाइट पर पा जाएंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के कार्य हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक के चयन की प्रक्रिया भी शासन लेवल पर स्टार्ट हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है, आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आप सभी लोगों के यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी में आज देखिए प्रयास आप सभी लोगों का जब होता है तो जाहिर सी बात है कि मीडिया भी आपको सपोर्ट करती है ना। और 18 से अधिक लंबित भर्तियां हैं यूपी ट्रिपल एससी की। इन तमाम मुद्दों को लेकर के जब शासन को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था तो उनसे रिक्वेस्ट किया गया था, तभी उनको आदेश दिया गया था कि ऐसी बात है, आप 31 मई तक आप सभी लोग इस प्रक्रिया को कंप्लीट करिए, ठीक है। इस प्रक्रिया को कंप्लीट करने का मतलब यह है कि अगर आपकी परीक्षा पेंडिंग है तो परीक्षा करा लीजिए, अगर आपका परिणाम पेंडिंग है तो परिणाम जारी कर दीजिए, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 2022 पेट के बाद अभी तक कोई वैकेंसी क्यों नहीं आई, तो विद्यार्थियों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनको वैकेंसी नहीं मिल पा रही, डिले हो रहा थोड़ा सा, तो उनके पिट की अवधि को बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। चिंता मत करिए आप सभी लोग कि अरे हमारा तो 6 महीने निकल गया, 7 महीने निकल गया और कोई वैकेंसी अभी तक आई नहीं, इसके लिए परेशान मत होइए। जो विद्यार्थी ओवर एज हो रहे हैं जाहिर सी बात है वैकेंसी रुकी है, उनकी एज नहीं है ना, तो एज तो बढ़ती रहेगी, तो इसकी समस्या का सामना किसको करना पड़ेगा, ना तो शासन को, ना तो अधिकारियों को, ना किसी को। समस्याओं का सामना करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों को जो कि उसमें अप्लायर हैं या अप्लाई करने वाले हैं। शासन से इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार करने, एज रिलैक्सेशन आदि को प्रदान करने के संदर्भ में भी ज्ञापन प्रस्तुत किया गया ईमेल के माध्यम से आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को, ठीक है। और उन्होंने आश्वासन दिया इस बात का कि इस मुद्दे पर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से आगामी कैबिनेट बैठक में निर्णय किया जाएगा, उस पर बातचीत की जाएगी और विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन अवश्य ही मिलेगा। बात करते हैं आपके पुलिस प्रणाली बोर्ड को लेकर के। विद्यार्थी यूपी कांस्टेबल के विज्ञापन के लिए परेशान है कि हमारा यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन कब तक आएगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, जो DGP सर बनाए गए हैं, आपके चेयरपर्सन थे वो, मतलब यूपी पुलिस प्रणाली बोर्ड के, अब वहाँ पे नए अध्यक्ष की तलाश शुरू हो चुकी है और बहुत जल्दी शासन के माध्यम से इसकी नियुक्ति भी कंप्लीट कर ली जाएगी। किसकी नियुक्ति? जो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के चेयरपर्सन बनाए जाएंगे, ठीक है ना। तो इस बात पर बिल्कुल भी चिंता मत करिए थोड़ी तबीयत हमारी नॉर्मल नहीं है, इस वजह से आप सभी लोगों को वीडियो में बार बार व्यवधान देखने के लिए मिल रहा होगा। मैं एक जानकारी आप सभी लोगों को और भी दे दूँ, LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का जो विज्ञापन है या प्रतीक्षा सूची है, जिसे आप श्रेष्ठता सूची भी बोल सकते हैं, विद्यार्थियों की मांग 8 विषयों को लेकर के शासन ने सहमति 6 विषयों को लेकर के दी है और इस पर कार्य शुरू हो चुका है। वेटिंग लिस्ट आपकी पूरी तरीके से बन करके तैयार भी हो चुकी है। अब शासन ने सहमति दिया है तो जाहिर सी बात है UPSC के अधिकारियों को इसमें कार्य करने की आवश्यकता है। जो भी रद्द बदल करना है वो रद्द बदल करके आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूची को जारी करेंगे। एक बयान पेपर में छपा था आदरणीय सचिव महोदय का कि UPSC की भर्तियों में प्रतीक्षा सूची जारी की जाए या अनिवार्य नहीं है। अगर अनिवार्य नहीं था तो जाहिर सी बात है 8 विषयों की भी प्रतीक्षा सूची नहीं जारी होना चाहिए था, वो कैसे जारी हो गई। पद रिक्त हैं 2018 की वैकेंसी में, तमाम पद रिक्त हैं, इसलिए आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी प्रतीक्षा सूची 100% आएगी, इसके लिए बहुत तगड़े तौर पर प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, चिंता मुक्त रहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती और एडेड जूनियर को लेकर के। एडेड जूनियर की जो प्रक्रिया है वो SCERT के हाथों में है। आदरणीय सचिव श्री सर्वेंद्र विक्रम सर से जब बातचीत की गई थी इस मुद्दे पर तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि कुछ कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, जैसे उसका फाइनल डिसीजन आता है या हाईकोर्ट से हमारी याचिका खारिज होती है, मतलब जो विद्यार्थियों ने डाला है जिसमें यूपी गवर्नमेंट को भी याचिकाकर्ता बनना पड़ा है ना, तो वो भी भाई उसकी एक पार्टी है। तो जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे का समापन होने के बाद ही आपकी यूपी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आप सभी लोगों को एडेड जूनियर की प्रक्रिया कंप्लीट होती हुई दिखेगी,
तो चिंता मुक्त रहिए, पॉजिटिव चीज़ें आप सभी लोगों के सामने आ रही हैं ना, तो तैयारियां करिए। यदि आप लोगों को हमारे साथ में हमारी याचिका में जुड़ना है तो आप 72825 नए विज्ञापन के सिलसिले में हमसे जुड़ सकते हैं, या वो विद्यार्थी जो 2016-2021 की TGD PGT की प्रतीक्षा सूची में है वो विद्यार्थी हमसे संपर्क करके हमारी याचिका में जुड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब इस केस का फाइनल ऑर्डर आने चल रहा है, ठीक है। हमें याची लिस्ट बहुत जल्दी ही सौंपनी होगी, तो उन तमाम विद्यार्थियों को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, जो विद्यार्थी ये चाहते हैं कि उनका कुछ भला हो सके, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 9721413385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारी याचिका से आप जुड़ सकते हैं। इसका लाभ आप सभी लोगों को जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक मजबूत पैरवी आप सभी लोगों के लिए हमेशा विजय का कारण बनती है। तो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और एल्टीग्रेड GIC प्रवक्ता के साथ जो खंड शिक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी है, कुछ विद्यार्थियों ने RTI वगैरह लगाया था लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला, है ना। पदों की संख्या आप सभी लोगों की पर्याप्त है, पदों को लेकर के चिंता बिल्कुल मत करिए। रही बात समकक्ष या आर्ता आदि को लेकर के, तो DLED बनाम BTC केस का फाइनल ऑर्डर आने के बाद DLED और BTC विद्यार्थियों को इसमें सम्मिलित करने हेतु तमाम तरीके की चीज़ें का निर्णय उत्तर प्रदेश शासन कर लेगा, ठीक है। तो चिंता रहित होकर के अपनी तैयारियों पर आप विशेष ध्यान दीजिए। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए, TET, CTET, SuperTET, TGD, PGT, LT, GIC, UPT, PLSC की किसी भी भर्ती परीक्षा का, यदि आप लोगों को नोट्स चाहिए, और TET, CTET, SuperTET में अगर आपको 150 में से 140 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721413385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा तबीयत सही नहीं लग रही है, इसकी वजह से मैं वीडियो को अब समाप्त करना चाहूँगा, लेकिन आप सभी लोगों के लिए अपडेट कार्य चलता रहेगा। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी आप लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक जाते जाते एक महत्वपूर्ण सूचना और आप सभी लोगों को दे दूँ, नए आयोग की चयन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक आदि के चयन की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। नियमावलियों को मर्ज किए जाने, और चूँकि अब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, तो जितने भी आपके पुराने आयोग थे वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। आप स्वयं भी देख रहे होंगे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष महोदय थे उनका कार्यकाल भी पूरा हुआ। पूरा क्या, जब उसी टाइम में हटा दिए गए थे, जब आयोग की घोषणा हुई थी उसी टाइम में ये सेवामुक्त कर दिए गए थे, ठीक है। न शासन ने वेतन दिया न कुछ दिया, तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को मैं बता दूँ कि उनके जाने के बाद भी देखिए समाचार पत्रों में किसी प्रकार का कोई सूचना आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिली है। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।